घर से निकलिए, एचएन ऑटोमोबाइल का ठिकाने पे पहुंच जाइए भाई। आपको इस रेट में गाड़ी आज मिलेगी ना कि आप नहीं सोचे होंगे, सच में नहीं सोचेंगे भाई। इतने कम बजट में पेपर वाली गाड़ी हम लोगों को रियलिटी में बहुत कम मिलती है। ये गाड़ी जस्ट दे देंगे 45,000 में। प्राइस भैया ये गाड़ी जस्ट मिलेगा 49,000 रुपए में, मतलब मिलेगी जस्ट आपको 75,000 में। ये गाड़ी आपको जस्ट मिलेगा 65,000 रुपए, सर जस्ट मिलेगा 92,000 में। 66,000 की 13 मॉडल नैनो। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सभी का सस्ती सस्ती गाड़ियों के वीडियो में। क्योंकि भाई आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन भाइयों के लिए जो 50,000 40,000 इन सब का बजट रखते हैं, लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का, इन सब मतलब कि इतना ही का बजट रखते हैं, लेकिन उनको चाहिए भाई बाइक नहीं, उनको नहीं चाहिए कोई अपाची या फिर पल्सर, उनको चाहिए एक कार, उनको चाहिए भाई कि एक कार में बैठ के आराम से घूमे, जिससे कि धूप से भी बचे, ठंड से बचे, बारिश से बचे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो भाई 40-50-60,000 का आपका बजट है, देख लीजिएगा वीडियो को आखिरी तक। भाई अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं एचएन ऑटोमोबाइल में। चीपेस्ट कार भाई अगर आपको चाहिए, चीपेस्ट रेट में कार चाहिए, देख लीजिएगा वीडियो को आखिरी तक। पीछे में लगा हुआ वैगन आर है, नैनो है, लखटकिया कार है भाई, यहाँ पे सेंट्रो लगा हुआ है, अल्टो है, इंडिका है, और इस ओर भी आप देख सकते हो भाई। तो मारुति सुजुकी की आपको यहाँ पे 3-3 800 मिलती है, ब्लू, वाइट एंड अगेन वाइट। तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, और ये सारी गाड़ी की डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे एचएन ऑटोमोबाइल से, बहुत ही कम प्राइस में देने के लिए जो जाने जाते हैं। हर्ष भाई, हर्ष भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, आज क्या जरूरत आ पड़ी है कि हम लोग आज की वीडियो बना रहे हैं, आज क्या है? अभी सिचुएशन को देखते हुए मतलब बहुत लोगों का पॉकेट सपोर्ट नहीं करता है कि वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख की गाड़ी ले पाए, ठीक है। तो स्पेशली वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए है जिनको लाख लाख के नीचे और थोड़ा बहुत ऊपर की गाड़ियां लेनी हो। 50,000 रुपए है, 49,000 है पॉकेट में, बिल्कुल। और अब मार्केट में कार ढूंढ रहे, मिल नहीं पा रहा है, तो भाई तब तो याद करना एक ही जगह है ना, घर से निकलिए, एचएन ऑटोमोबाइल का ठिकाने पे पहुंच जाइए भाई। आपको इस रेट में गाड़ी आज मिलेगी ना कि आप नहीं सोचे होंगे, सच में नहीं सोचेंगे भाई इतने कमाल की रेट में। मुझे रेट थोड़ा सा बताया हर्ष भाई ने, तो हर्ष भाई हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले? दोनों साइड मुझे रो दिख रहा है, उधर भी है, इधर ऐसा भी नहीं है। जितनी भी कारें हैं सब आपको अगर फील आ रहा होगा कि अब कम बजट की गाड़ियां हैं, हो सकता है पेपर फेल हो, बिल्कुल। अब कम बजट की गाड़ियां हैं तो हो सकता है कि गाड़ी की कंडीशन खत्म हो, तो सर दोनों चीज का टेंशन छोड़ो, तो आप आगे चल के देखेंगे, पेपर भी और प्राइस भी और कंडीशन भी, तीनों बहुत बेस्ट मिलने वाला है। बिल्कुल भाई, आज की हमारी पहली गाड़ी है वो है टाटा की मजबूती वाली, टाटा की इंडिका। हर्ष भाई क्या डिटेल है इसका? टाटा की इंडिका 2008 लास्ट, नौ मॉडल गाड़ी, ठीक है, पटना से रजिस्टर्ड। अब नौ मॉडल है तो पेपर का तो झंझट खत्म, कि पेपर हो ना हो तो खत्म हो गया, मन में डर ऐसे भी। हाँ जी, आपको ये गाड़ी मतलब फर्स्ट ओनरशिप पे कार है, फर्स्ट ओनरशिप पे INA नंबर वगैरह लगा हुआ है, और गाड़ी की कंडीशन तो भाई बाहर से अंदर तक हर जगह से, मतलब गाड़ी एक अच्छे कंडीशन में कार है, अच्छे कंडीशन में कार है। ज्यादा अगर चाहिए भाई आपको कि भाई किन की कार थी, तो वो थे भाई प्रेस में, तो वो भी आप देख लीजिए, तो एक अच्छे प्रोफाइल की ये कार है, अच्छे से चली होगी, अच्छे से मेंटेन होगी कार, आप भी जान रहे हो भाई, जो भी सर्विस में होते हैं थोड़े से अच्छे से कार को रखते हैं, उनको आदत ही है भाई चीज़ों को अच्छे से रखने की। बाकी पीछे से आप देख लीजिए, तो ये है टाटा की इंडिका BR01, पटना का नंबर है, पीछे क्रैश गार्ड लगा हुआ है भाई, तो थोड़े बहुत पीछे से प्यार मोहब्बत कोई कार करने आती है आपको तकलीफ नहीं होगी। बाकी मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ, मुझे बहुत कमाल की लग रही है इसकी इंटीरियर, आप खुद से देखिए भाई। तो ये है इसका इंटीरियर, नीट एंड क्लीन है, सोनी का म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिल रहा है, सीट की कंडीशन भी आप देख लीजिए, तो ये है इसका कंडीशन, मैट भी लगा हुआ है भाई। तो ये सब कुछ तो मैंने आपको दिखाई दिया, 2009 का मॉडल है ये, आपको बता दी गई है। अब तो अभी हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि भैया आज की हमारी जो पहली कार है, हम लोगों ने डेडिकेट किया है कि ये वीडियो बहुत ही कमाल का होगा, बहुत ही कम प्राइस में हम लोग देंगे, पॉकेट फ्रेंडली, ये वीडियो पॉकेट फ्रेंडली आप कह सकते हैं, ये वीडियो मतलब हर कार धमाके के रेट पे, ठीक है। पहली कार भैया डिटेल हो चुका है, बता दीजिए प्राइस भैया, मतलब अगर स्टार्टिंग है तो ये कार जस्ट आपको मिलेगा 98,000 में, 98,000 रुपए की आपको मिलेगी टाटा की इंडिका। आप देख लीजिए भाई, मैंने कंडीशन दिखाया है आपको चारों ओर से, BR01 पटना ही का नंबर है, तो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं बंगाल और दिल्ली का तो नहीं दिखा रहा हूँ मैं, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। बाजू में अगर बात करें, एक अल्टो लगी हुई है भैया, क्या डिटेल होगा इसका?
ये भी गाड़ी भैया 2004 की गाड़ी, 2024 तक सारा पेपर कम्प्लीट है, पटना नंबर गाड़ी। अब ये चार की गाड़ी आपको लग रहा हो कि ओल्ड शेप तो रहती थी चार में, लेकिन भैया इसको फुल्ली मॉडिफाई कराया हुआ ये न्यू शेप में कार है। और मतलब सर्विस सेंटर में इसकी पूरी काम हुई है, जो भी है मतलब हल्का भी टचअप वगैरह, और गाड़ी एक अच्छी कंडीशन में अच्छी लुक दे रही है। और कलर भी इसका मतलब बड़ा कंट्रास्टिंग कलर है। ये वीडियो डेडिकेटेड है लकटकिया वीडियो, जिसको हम लोग एकदम मतलब बिलो लाख और लाख की गाड़ियां दिखाएंगे इसमें। बिल्कुल, तो सर चार की गाड़ी है, 24 तक पेपर है इसका, 24 तक पेपर। कितना चला होगा ये गाड़ी? अप्रोक्सीमेटली 52-53,000 चला हुआ है। 52-53,000 गाड़ी चली हुई है। गाड़ी का कंडीशन आपके सामने अच्छे से देख लीजिए भाई। प्राइस के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, प्राइस के लिए मैं आपको खुद ही बताऊंगा आगे चल के कि बहुत ही कमाल का प्राइस आपको मिलेगा ये। बाकी इसका आप इंटीरियर देखिए, गाड़ी आप देखिए, बाकी प्राइस मैं पूछ लूंगा आपके लिए। देख सकते हैं यहाँ पे सीट वगैरह की कंडीशन, अगर चाहते हैं काफी लोग पीछे से देखना पीछे से भी देख लीजिए। तो ये वाकई में मुझे भी जब हम आए थे तो भाई मैं पूछ रहा था यही चीज कि ये गाड़ी 2004 की नहीं लग रही, गाड़ी तो न्यू शेप में। तो भाई ये 2004 का ही मॉडल है, लेकिन काफी अच्छे से इसके जो ओनर थे इसका काम और रख रखाव किए हैं। तो भैया चार की गाड़ी, 24 तक पेपर है, अल्टो है ये, पटना नंबर है। कितने में देंगे आप ये गाड़ी? सर जस्ट मिलेगा 92,000 में। 92,000 में अल्टो, वो भी इतने मिंट कंडीशन में। इतने मिंट कंडीशन की अल्टो अगर आप लेने जाएंगे ना, आराम से 1.25 लाख रुपए पॉकेट में रखने पड़ते हैं आपको। 92,000 रुपीज में आपको मिलेगा, 98-99,000 रुपीज में आपको टाटा की इंडिका मिलेगी। आते हैं भाई, हमने टाटा दिखाया, मारुति दिखाया, हुंडई को छोड़ेंगे, बुरा लगेगा इसे। भैया क्या डिटेल है इसकी? हुंडई की सेंट्रो ब्लैक कलर में, 2005 की गाड़ी, 25 तक पेपर। हाँ जी, ये गाड़ी भैया एक मतलब कलर से ना बड़ा अमेजिंग चीज लग रहा है, ब्लैक कलर में, और वो भी गाड़िया वो भी ओरिजिनल पेंट में, अच्छा लुक देता है। बिल्कुल सर, ये 2025 तक इसकी पेपर मिलेगी। GH10 धनबाद से रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, फुल पेपर आपको हैंड टू हैंड मिलेगा। ठीक है, एक बार गाड़ी की कंडीशन जरूर भैया देखेंगे। बिल्कुल, तो भाई काफी मतलब कि अच्छे कंडीशन में आप देख लीजिए। एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो माइनर स्क्रैचेस है वो आपको बताने के लिए काफी है कि ये गाड़ी पे पेंट दोबारा से नहीं हुआ है, जो कंपनी से पेंट होके आती है वही वाली है। आप पास से देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप आइए पीछे से भी देख लीजिए इस कार को। तो ये है बैक प्रोफाइल ऑफ सेंट्रो जिंक 2005 मॉडल, जिसका कि पेपर 2025 तक वैलिड है। आइए मैं आपको इसका इंटीरियर से भी रूबरू करा दूं भाई। तो अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हो केनवुड का म्यूजिक सिस्टम है, एसी हीटर वगैरह आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कवर दिख रहा होगा, तो मैंने इसका इंटीरियर भी दिखा दिया, बाहर से आपने देख लिया है। और ये सेंट्रो 25 तक पेपर इसका वैलिड है। भैया ओनरशिप क्या, क्योंकि 5 का मॉडल है तो ऐसा होता है कि 2-3 ओनर हो, 3-4। बिल्कुल, तो इसके कितने ओनर है? बस फर्स्ट ओनर पे। फर्स्ट ओनर, बिल्कुल भैया फर्स्ट ओनर पे ये गाड़ी। बिल्कुल, 2005 की गाड़ी, 25 तक पेपर, और वो भी इतने अमेजिंग रेट में देंगे ना कि आप आइए और लूट के लेके जाइए। बता दीजिए भैया रेट। मात्र 98,000 रुपए में, 98,000 रुपीज आपको पे करने होंगे 2025 तक, जिस गाड़ी की पेपर वैलिड है। कंडीशन मैंने आपको दिखा दिया, कंडीशन में कहीं कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलने वाली है। अगर चाहिए डील ग्रैब कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर है, वहां से भी आप बुक कर सकते हो। अंडर 1 लाख का भाई बजट है, उसी के लिए मैं आपको बना ही रहा हूँ ये सारी वीडियो। अगली लकटकिया वीडियो भैया, बिल्कुल लकटकिया वीडियो ही है। तो अब 3 गाड़ी हो चुकी है भाई, बहुत ही धमाके के रेट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मुझे खुद ही बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ भाई इस तरह की वीडियो लाने के लिए आप लोगों के लिए। अगले पे हम लोग आते हैं, रतन टाटा जी का बनाया हुआ बहुत ही प्यारा गाड़ी, बिल्कुल बहुत ही प्यारी सी एक कार है भाई। उन्होंने सोचा ही था कि उन लोगों के लिए हो भाई जो चाहते हैं कि कार हो उनके पास काफी सारे सिचुएशंस में। तो भैया क्या डिटेल है इसकी? 2013 मॉडल टाटा की नैनो विथ एसी। ठीक है, और इतने कमाल की गाड़ी इतने अमेजिंग रेट में देंगे ना भाई, एक सोच के रह जाएंगे। मतलब इस वीडियो का डेडिकेशन ही है कि मतलब वीडियो हर लोगों के लिए, हर लोगों को एक कंफर्टेबल दे गाड़ी खरीदने के लिए। बिल्कुल भैया, हम लोग तो 4-5 लाख की गाड़ियां दिखाते रहते हैं। तो भाई ऐसा भी गाड़ी तो दिखाए जिनकी पॉकेट बजट कम और अच्छी गाड़ियां चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं भी मत सोचिए, आ जाइए हमारे पास। भैया कौन सा मॉडल आपने बताया? 2013 मॉडल गाड़ी, 13 मॉडल है, पटना नंबर है, ओनरशिप फर्स्ट ओनरशिप। कितना चला होगा? 40,000 चला हुआ है, 2013 का मॉडल है। कलर आप देख लीजिए भाई, आपके सामने है, छोटी सी कार है। मुझे भाई जब मैं मतलब जब ये गाड़ी आई थी तब हमारे घर पे बहुत चर्चे में थी कि ये कार ले लेते हैं, कार हो जाए घर पे, तो मुझे आज भी याद है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई एक अपने अपने घर पे एक आपकी कार हो तो इस कार को लेकर जाइए। इंटीरियर आप देख सकते हो भाई, मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूंगा। पीछे वाली सीट आपको दिख रहा होगा, बाकी आगे वाली भी आप देख लीजिए, डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। मॉडल ईयर सारा कुछ आपको पता लग ही चुका है।
बस अभी हम लोग भाई यहाँ पे जिक्र करेंगे इसकी प्राइस क्या कोड की गई है, तो वो मैं आपको एक बार पूछ के बता देता हूँ। भाई प्राइस पे आते हैं हम लोग सीधा, क्या प्राइस में आप दे देंगे इसको? ये गाड़ी भैया एक रियली अमेजिंग प्राइस पे देंगे और जस्ट 66,000 में। 66,000 की 13 मॉडल नैनो जी। 10 मॉडल 12 मॉडल आपने देखा होगा, लेकिन ये 13 मॉडल है भाई, और वो भी 66,000 में। कुछ चांसेस है उसमें थोड़ा बहुत अगर दूर से आते हैं तो? रोमिंग वेट के थ्रू आएंगे तो थोड़ा करना मेरी मजबूरी हो जाती है। थैंक यू सो मच। अगले पे हम लोग आते हैं भैया वैगनआर। इतने कम बजट में पेपर वाली गाड़ी हम लोगों को रियलिटी में बहुत कम मिलती है। अच्छा। और आज हम अपने व्यूअर्स के लिए लाए हैं 2024 तक पेपर वैलिड गाड़ी, ठीक है, यूपी नंबर है, और भाई एक रियली अमेजिंग रेट में देंगे, जिस रेट में अभी शायद स्क्रैप में बाइक भी नहीं मिल रहा है। तो भैया वैगनआर आपने कौन सा मॉडल बताया है? 2024 तक पेपर, 24 तक इसका पेपर है। वैगनआर है मारुति सुजुकी की, बहुत ही बिकने वाली कार है। कितने की दे देंगे भैया? भैया ये गाड़ी जस्ट दे देंगे 45,000 में। 45,000 की, 49,000 का हमने सोचा था, 45,000 की भी कार दिखा दी है भाई। इस बात पे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, हमारे लिए कमेंट जरूर से करके बताइएगा, डीलरशिप को ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो भैया अभी इधर भी दो गाड़ियां हैं, उधर तीन गाड़ियां हैं, कौन सी दिखाई जाए? इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, जो बगल में जो पास में, पहले उसको देख लेते हैं। बिल्कुल, तो सेंट्रो, दूसरी सेंट्रो आज की वीडियो की, 2010 मॉडल सेंट्रो। अच्छा, BS01 पटना से रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, और गाड़ी की भैया कंडीशन ना बड़े कमाल की है। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छे कंडीशन में, सुपर गाड़ी। ये गाड़ी 2010 की है, फर्स्ट ओनरशिप पे, ओरिजिनल पेंट में। और ऐसी गाड़ियां ओरिजिनल पेंट, मतलब इतनी कम चली हुई, मतलब 48,000 चली हुई ओरिजिनल पेंट पे, और माइनर स्क्रैच के साथ, बहुत रेयर केस में अपने पास आ पाती है। अच्छा, आपके पास भी काफी कम आया करती है? मतलब एक लास्ट सेंट्रो हमने लगता है कि अगस्त में दिखाया था, जिसमें सब कुछ नीट एंड क्लीन था। अच्छा। सेम कंडीशन पे ये गाड़ी दोबारा आई है। चलिए, तो भाई मतलब कहते हैं देर आए दुरुस्त है, तो भाई एक गाड़ी हमने ऐसी कंडीशन की, सेम मॉडल अगस्त में दिखाई थी, और उसके बाद ऐसी कंडीशन की, इतनी अच्छी कंडीशन की अभी आई है। तो देख लीजिए भाई, जिनको भी चाहिए आप लेकर जा सकते हैं। BR01 पटना का नंबर है। इसमें भी आपको थोड़े बहुत स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया है कि HN ऑटोमोबाइल पे भाई रीपेंट वगैरह ज़्यादा ये लोग कराने में रखते नहीं है बिलीव। इंटीरियर की अगर बात करें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टेयरिंग कवर आपको मिलता है, और इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन AC हीटर वगैरह आपको मिलती है। सीट की कंडीशन भी आप देख लीजिए, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। 2010 रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ऑनरशिप पे, पटना नंबर, सेंट्रो। हर्ष भाई क्या रेट में दे रहे हैं आप? अमेजिंग रेट में देंगे, बता दीजिए फिर बोले। जस्ट 1,38,000। 1,38,000 की 2010 मॉडल सेंट्रो मिलती है, जिसको कि क्लेम कर रहे भैया कि कहीं से आप इंजन वगैरह में इसको काट नहीं सकते हैं। इतनी सारी गाड़ी हमने दिखा दी है, ये भी दिखा दी है, और इसके अगर बाजू में बात करें ना, तो भाई ये तो खैर कम बजट के लिए ये मतलब गोल्ड पीस होती है। तो भैया क्या डिमांड है, क्या डिटेल है, कौन से साल की है ये? 2010 की ये गाड़ी है। अच्छा? 2008 मॉडल ये गाड़ी है, 8 की ये गाड़ी है, पटना से रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनरशिप पे कार है, और ये भी गाड़ी भैया बड़ा अमेजिंग कंडीशन में है। अच्छा, और इसमें हम आपको पेंट का 2 साल का गारंटी देंगे। अच्छा, पेंट की 2 साल की गारंटी देंगे, बहुत बढ़िया। 2008 मॉडल आपने बताया, 8 मॉडल। ओनरशिप भैया? फर्स्ट ओनरशिप पे कितना चला होगा ये? ये 45,000 चली हुई है भैया, अप्रोक्सीमेटली 45,000 चली हुई है गाड़ी 2008 की है। बाकी अगर टायर की कंडीशन की बात करें ना, आप देख लीजिए भाई, पास से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप रेसा वगैरह देख पा रहे होंगे, JK की टायर है। पीछे वाले भी अगर टायर देखना चाहते हैं तो लीजिए भाई, देख लीजिए। तो एक चीज तो श्योर हो जाइए कि टायर आपको नहीं चेंज कराना होगा। और अगर बात करें इसके इंटीरियर की, डोर पैनल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है इसका डोर पैनल। स्टीयरिंग वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे, तो भाई नीट एंड क्लीन है। AC हीटर आपको इसमें मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है, आपको मतलब ठीक रहता है गर्मी में, ठंडी में आप घूमिए आराम से। और ये है सीट की कंडीशन, पीछे वाले आपके स्क्रीन पे है, और अब देखिए भाई आगे वाली सीट की भी कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। 2008 मॉडल मारुति सुजुकी की अल्टो है भैया, कितने की दे देंगे आप? एक अनएक्सपेक्टेड रेट में, ठीक है, जस्ट 1,25,000 रुपये में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, विद AC सब कुछ वर्किंग के साथ। 1,25,000 रुपये आपको देने होंगे इस कार के लिए। तो अगर आप चाहते हैं इस कार के मालिक बनना, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, साथ में आप आ सकते हैं HN ऑटोमोबाइल के एड्रेस पे, मैं आपको बताऊंगा आखिर में पूछ के। तो भैया ये भी दिखा दिया हमने, इधर भी दिखा दिया, इधर का भी स्टॉक दिखा दिया है। अब करते क्या है ना कि मारुति सुजुकी के दिखाते हैं, जहाँ से मारुति सुजुकी ने सफर अपना स्टार्ट किया, जहाँ से शुरुआत, मतलब मारुति ने अपना नाम जिस गाड़ी से चालू किया। बिल्कुल, कहाँ से स्टार्ट करें भैया? भैया ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक हमने सेंट्रो पे दावा ठोक रहा था कि फर्स्ट, मतलब ओरिजिनल पेंट पे गाड़ी, बट ये भी गाड़ी 2023 तक इसकी पेपर वैलिड है, ठीक है, और
फर्स्ट ओनरशिप पे कार और अभी तक फुल्ली गाड़ी ओरिजिनल पेंट में, जिसकी मैं पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट और उतनी सुंदर नंबर भी, नंबर भी अगर आप देखेंगे ना तो 0101 नंबर है, जो कि मुझे बहुत चौंकाया था भाई कि मतलब तब कितने शौकिये थे इसके ओनर जिन्होंने तब चूजन नंबर लिया, तब यूनिक नंबर प्लेट के लिए वो गए। तो आप देख लीजिए ये 2023 तक इसका पेपर वैलिड है और यहाँ पे डीलरशिप क्लेम कर रही है भाई कि ये ऑल ओरिजिनल पेंट पे है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको ये गाड़ी में कहीं रीपेंट नहीं कराया हुआ है। रीपेंट कराने पे भाई क्या होता है कि 2-3 साल 4 साल बाद पेंट की कलर फेड हो जाती है, लेकिन इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इंटीरियर की बात करें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका डैशबोर्ड भाई, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाइब देगा आपको। बाकी यहाँ पे सीट वगैरह की भी कंडीशन आप देख सकते हैं, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब 23 तक वैलिड है पेपर, हमने एक वीडियो में बताया था मारुति सुजुकी के लोगों के बारे में, उस पर नहीं आते हैं भैया, प्राइस पे हम लोग आते हैं। प्राइस भैया ये गाड़ी जस्ट मिलेगा 49,000 रुपये में, मतलब इतनी सुंदर गाड़ी मात्र 49,000 रुपये देने होंगे अगर आप चाहते हैं एक कार ऐसी जिसमें आप घूमना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक नया कार लेना है तो इसको आप ले जाइए आराम से सीख वीख लीजिए, तो उसके लिए भी ये काम आ सकती है। ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं, 49,000 का ले रहे हैं, साल दो साल चलाकर भी बेचेंगे ना तो लॉस नहीं लगना है। आगे आते हैं हम लोग भैया, क्या डिटेल है इसकी? 2026 तक पेपर वैलिड गाड़ी। हाँ जी, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन इसकी जस्ट एक महीने पहले हुई है, 2000 रिन्यूअल कराई हुई है। अच्छा, 2026 लास्ट तक वैलिड पेपर, अच्छा, मतलब 5 साल अभी आराम करिए। बहुत बढ़िया, गाड़ी लीजिए 5 साल पेपर के लिए, निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, ये गाड़ी आपको जस्ट मिलेगा 65,000 रुपए, 65,000 रुपए की आपको मिलेगी। पिछले महीने ही इसका री रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब अगले 5 साल आपको ना RTO ना DTO कहीं नहीं जाना, बिल्कुल गाड़ी को आप बस मेंटेन करके चलाइए। और पुरानी इंजन वाली गाड़ी है भाई, मतलब नए वाले से ज़्यादा आपको राहत मिलती है मेंटेनेंस में या फिर माइलेज वगैरह सब कुछ में। ये भी हमने आपको दिखा दिया। आज के हमारी आखिरी गाड़ी है BR06M9204 2008 मॉडल गाड़ी भैया, मारुति सुजुकी 800 विथ AC। अच्छा, और ये गाड़ी बिल्कुल, मतलब ये भी पूरी ओरिजिनल पेंट में, कोई टचअप कराई हुई नहीं है, और फर्स्ट ओनरशिप पे कार, और ये भी मिलेगी जस्ट आपको 75,000 में, 75,000 की आपको मिल जाएगी ये कार। मुजफ्फरपुर का नंबर है, तो भाई एड्रेस आप याद रखिएगा और मतलब डीलरशिप का नाम याद रखिएगा, HN ऑटोमोबाइल, वहीं पे हो पाता है पॉसिबल इस रेट की गाड़ियाँ। इंटीरियर भी आप देख लीजिए भाई, ये है इसका सीट वगैरह का कंडीशन, तो वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। और सच कहूँ तो भाई इस रेट में ना जल्दी गाड़ियाँ भी आपको नहीं मिलती है टू व्हीलर, और आपको यहाँ पे 4 व्हीलर अवेलेबल कराया जा रहा है HN ऑटोमोबाइल में। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और एड्रेस के लिए अगर आप इंतजार कर रहे थे तो हर्ष भाई एड्रेस क्या होगा थोड़ा सा हमें बता दीजिए। एड्रेस भैया अगर आप, हम लोग कहाँ अभी खड़े भैया? अभी पालीगंज से आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पे महावलीपुर वाले रोड में अख्तियारपुर मोड़ के पास अपना यार्ड है HN ऑटोमोबाइल्स। बिल्कुल, आप वहाँ पे आ जाइएगा, बहुत ही इजी लोकेशन। अगर आप पटना से बस भी लेते हैं तो डायरेक्ट बस पालीगंज जाती है। गूगल मैप, गूगल मैप भी है भाई, उस पर भी आप सर्च कीजिएगा HN ऑटोमोबाइल, वहाँ से भी आप यहाँ पहुँच जाइएगा और हर्ष भाई से मिलिएगा। बहुत ही अच्छे रेट में आपको यहाँ पे अभी गाड़ी मिल रही है, तो हर्ष भाई बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में जुड़ने के लिए, और काफ़ी अच्छा रेट आपने दिया है। थैंक यू सर। बिल्कुल, तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपने वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे भाई फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो। इसी तरह की बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए तय रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।